हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनु सुमर एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ए टू जेड इंग्लिश हब, द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू चेंज द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीक इल ऑफ। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीक इल ऑफ, इसका हिंदी में मतलब होता है किसी की बुराई करना। जब कभी भी हमें इंग्लिश में बोलना हो किसी की बुराई करना, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? स्पीक इल ऑफ। जैसे कि कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, वह हमेशा लोगों की बुराई करती रहती है ना। अगर कोई लड़की है तो वह लोगों की बुराई करती रहती है, और हमें बोलना है कि वह लोगों की बुराई करती रहती है। तो पूरा सेंटेंस तो वैसे ही बनेगा, लेकिन बुराई करने के लिए क्या बनेगा? आप क्या बोल सकते हो? स्पीक इल ऑफ। क्या बोल सकते हो? स्पीक इल ऑफ। चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इल ऑफ एनी वन। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। मैं क्या नहीं चाहता? टू स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ इसका मतलब होता है बुराई करना। क्या होता है? बुराई करना। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। मैं क्या नहीं चाहता? टू स्पीक इल ऑफ, मैं बुराई करना नहीं चाहता हूँ। अब जिसकी बुराई करना नहीं चाहता हूँ, है ना, जिस किसी की भी बुराई के बारे में बोलना है कि इसकी बुराई करना नहीं चाहता हूँ या इसकी बुराई कर रहा हूँ, है ना, उसको आपको ऑफ के बाद में बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? एनी वन, तो मतलब किसी की भी। एनी वन का मतलब होता है किसी की भी। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इल ऑफ एनी वन, मैं किसी की भी बुराई करना नहीं चाहता हूँ। ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई हर्ड हिम स्पीकिंग इल ऑफ यू। आई मतलब कि मैंने क्या किया? मैंने हर्ड मतलब सुना, मैंने सुना। क्या सुना? हिम, उसे, मैंने उसे सुना। वह क्या कर रहा था? स्पीकिंग इल ऑफ यू। स्पीकिंग इल ऑफ इसका मतलब वो बुराई कर रहा था। किसकी बुराई कर रहा था? यू। यू मतलब तुम्हारी। आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, स्पीकिंग इल ऑफ यू, तुम्हारी बुराई करते हुए। मैंने उसे तुम्हारी बुराई करते हुए सुना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई नो शी ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ मी। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ या फिर मुझे पता है ना। शी ऑलवेज, वह हमेशा, स्पीक्स इल ऑफ मी, वह हमेशा मेरी बुराई करती है। ठीक है, मुझे पता है वह हमेशा मेरी बुराई करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज नॉट स्पीकिंग इल ऑफ यू, वह तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।